फादर भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज का ये जो हमारी वीडियो रहेगी फ्रेंड्स, ये 3XO जो अभी जस्ट थोड़ा टाइम पहले लॉन्च हुई है, इसके ऊपर मैं आपको अपडेट करूँगा भाई। जिन जिन भाई लोगों ने बुकिंग करी है गाड़ी की, तो आपको आगे क्या करना है और गाड़ी जो है आपको मतलब कैसे फॉलो आपको महिंद्रा वगैरह वालों के साथ करना है, जिस डीलर से आपने बुक करी है, और आपको आगे क्या क्या रहेगा मैं आपको सब बताता हूँ। आपको मैं पूरा प्रोसेस समझाता हूँ कि महिंद्रा की गाड़ी का ये 3XO का कैसे रहेगा। ये जो अभी आप फ्रेंड्स गाड़ी देख रहे हो रनिंग में जो मैंने लगाई हुई है, ये वही है गाड़ी जो अभी जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो साथ साथ हम गाड़ी के भाई बात करते करते साथ में मैं आपको जो भी सारी गाड़ियां हैं वेरिएंट्स भी मैं आपको प्ले करता जाऊंगा, सो दैट द वीडियो रिमेन्स इंटरेस्टिंग और आप लोगों का मन लगा रहे साथ साथ। इंटीरियर एक्सटीरियर सारा वॉक अराउंड टोटल मैं गाड़ी को करता रहूँगा, अलग अलग गाड़ियाँ मैं लगाऊंगा रनिंग में ताकि आप देख पाओ। और अगर आप बुकिंग से रिलेटेड या और भी कोई भी क्वेश्चन महिंद्रा XUV 3XO से रिलेटेड मेरे से करना चाहते हैं, सो यू आर फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स बॉक्स। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल और डू ऑल्सो गिव अ थम्स अप टू द वीडियो, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हम लोग मोटिवेट होके और अच्छा आपके लिए इन्फॉर्मेशन डाटा सारा कलेक्ट करके आपको हम लोग दे पाते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं पहले आपको बताता हूँ, इस गाड़ी की बुकिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है पिछले महीने की 15 तारीख से। और अगर आपको कॉम्पैक्ट SUVs में इंटरेस्ट है या आप लेना चाह रहे हैं नेक्सॉन वगैरह, या आप अगर क्रेटा या अगर आप टाटा की पंच वगैरह देख रहे हैं, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन स्विफ्ट का ZXi मॉडल, क्योंकि उसके रेट्स को भी ये चैलेंज करती है इसके बेस मॉडल्स जो है MX मॉडल्स, तो आई विल रिक्वेस्ट यू कि एक बार ही आप इस गाड़ी को भी एक बार आप टेस्ट ड्राइव करके देखिए। मैं आपको ये नहीं कह रहा, यू टेक द कार और टेस्ट ड्राइव करके देखिए। महिंद्रा के सारे डीलर्स के पास ये गाड़ी अवेलेबल है, तो अगर आप किया सोनेट लेना चाह रहे हैं या आपने बुक कर रखी है, तो एक बार ही आप इस गाड़ी को भी टेस्ट करके ड्राइव करके आप देखो। तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, इसका जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, कि बुकिंग के बाद आपने व्हाट यू हैव टू डू, आपने क्या बिल्कुल आपने निश्चिंत हो जाना है या क्या करना है, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स कैसे रहेगा, आपको क्या करना है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको जो जब आप बुकिंग कर लेते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ महिंद्रा की जो गाड़ी की बुकिंग होती है, चाहे आप कोई भी गाड़ी ले, दैट इज़ फॉर 21,000 रुपीज़, 21,000 रुपये आप पे करेंगे और गाड़ी बुक हो जाएगी। वो आपको एस्टिमेट राउंड मतलब थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेट आपको टाइमलाइन वो लोग दे देंगे, जो भी डीलर रहेगा आपको वो आपको दे देगा और आपको बता देगा कि इतने टाइम में आपको हम गाड़ी दे देंगे। सो वो एस्टिमेट आपको दे देते हैं। अगर आपको गाड़ी की डिलीवरी टाइम से रिलेटेड आपको वीडियो देखनी है, तो मैं आपको नीचे पिन कमेंट में अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हो। लेकिन आज की वीडियो विल बी कि आपने गाड़ी बुक कर दी है महिंद्रा की, या बुक करना चाह रहे हैं, जाना चाह रहे हैं, तो आपको क्या करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको बताया, बुकिंग है 21,000 रुपये की, आपको एक स्लिप मिल जाएगी महिंद्रा से, उसके ऊपर आपको सारे आपकी डिटेल वगैरह वो लोग फिलअप करेंगे, आपका ID वगैरह लेके वो सब कुछ करेंगे, 21,000 रुपये आपसे लेंगे और आपको वो आपकी गाड़ी की बुकिंग करके दे देंगे। आपको टेक्स्ट वगैरह भी आएगा, वेलकम टू महिंद्रा फैमिली, ऐसे करके आपको सारे मैसेजेस भी आएंगे, मेल भी आएगा। जब आपको ये आ जाता है, इसका मतलब आपकी बुकिंग जो है हो गई है। अगर आपको ये 24 घंटे के अंदर आपको इस टाइप का मेल आपको नहीं आया, तो आप एक बार ही अपने डीलर से फॉलो अप करके आप उनको बोलिए कि मुझे ऐसा ऐसा मैसेज या मेल नहीं आया, तो ऐसा क्यों है। इसके मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स, जो कैंसलेशन चार्जेस हैं वो 10% रहते हैं। मीन्स अगर इफ़ बाय एनी चांस आप गाड़ी को कैंसिल करना चाहते हैं, तो आपको वो लोग 21,000 रुपये में से 2,100 रुपये काट के वो आपका जो बाकी 18,900 का जो अमाउंट होता है वो आपको दे देंगे। फ्रेंड्स, जब मैंने गाड़ी ली थी, मैंने क्या किया था, मैंने अराउंड 2 से 3 शोरूम्स पे गाड़ी को बुक कर दिया था और बाकी उसे मैंने कैंसिल करा लिया था। मुझे जिसने सबसे पहले द सेंटर जो डीलर ने मुझे सर्विस दी, उससे मैंने गाड़ी लिया। तो आप अगर आपको गाड़ी की जल्दी है, तो आप ये कर सकते हैं कि आप 2 से 3 डीलर पे गाड़ी बुक कर सकते हो। मीन्स इफ़ 2100 इज़ नॉट अ बिग थिंग फॉर यू, आपको गाड़ी जल्दी से जल्दी चाहिए, तो आप ये भी कर सकते हो इफ़ यू वांट, अगर आपको जल्दी चाहिए। और आप इससे क्या कर सकते हो, अगर आप ऐसा करोगे तो आप जिस डीलर से आप बुक करोगे, तो आप उसको बोल भी सकते हो कि मैंने देखो मैंने उस पर भी बुक कर दी है, तो आप प्लीज़ मुझे जल्दी दे दो, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी गाड़ी चाहिए, मैं जल्दी में हूँ। आप ऐसा कर सकते हैं, इससे भी वो लोग पुश हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि जल्दी से जल्दी गाड़ी को महिंद्रा के थ्रू निकलवाया जाए और दिया जाए इस कस्टमर को, क्योंकि ऑब्वियसली वो अगर आप उनसे गाड़ी लोगे तो उनको बेनिफिट होता है। जिस डीलर से आप गाड़ी लोगे उसी को बेनिफिट होएगा, और महिंद्रा का तो ऑब्वियसली होएगा, लेकिन जिस डीलर से आप गाड़ी लेते हो उसको भी बेनिफिट होता है।
तो ये तो बात होगी फ्रेंड्स आपकी कैंसिलेशन और बुकिंग की। अब आपको बुकिंग के लिए क्या करना है, मैंने आपको थोड़ा सा पहले बता दिया, बुकिंग के बाद यू हैव टू फॉलो अप, मतलब आपको रेगुलरली फॉलो अप करते जाना है। आपको महिंद्रा वालों को रेगुलरली फॉलो अप, जिस भी आप जो आपका डीलर है और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव ने आपको आपका सारा डिटेल वगैरह, वो जो पर्ची बना के उसने दी है, आपको उसका पर्सनल नंबर रखना है, आपने व्हाट्सएप पर भी उसको रेगुलर कॉन्टैक्ट में रहना है, और हर थोड़े थोड़े टाइम के बाद मीन्स 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद यू हैव टू टेक्स्ट हिम, या कॉल भी कर सकते हो आप कि भैया मेरी गाड़ी कहाँ है, जो भी आप बोल सकते हैं। आप उसके साथ फ्रेंडली रहिए, वो आपको बहुत फ्रेंडली आपके साथ वो भी रहेगा, आप फ्रेंडली तरीके से अपना काम कराएंगे तो बेस्ट होता है इसके अंदर। बीच में आप चाहो तो एक एक दो दो महीने बाद आप शोरूम पर भी विजिट कर सकते हो जाके, दिस विल ऑल्सो गिव अ गुड इम्पैक्ट कि आप सीरियस हो, क्योंकि कई बार क्या होता है जो महिंद्रा के डीलर होते हैं वो लोग सोचते हैं कि माइट बी ये इतने इंटरेस्टेड नहीं है बायर, तो वो जो उन्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड बायर्स हैं उनकी ऑब्वियसली वो लोग सीरियसली लेते हैं। मैंने ऐसा अपने टाइम पे किया था, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप ऐसा करोगे तो आपको गाड़ी जल्दी मिलेगी। दो तीन डीलर पे बुक कर सकते हो, इससे भी आपको जल्दी मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और भाई MX1 हो, MX2 Pro हो, MX2 सारी गाड़ियाँ मिलेंगी। मैंने जो नीचे आपको पिन कमेंट में कर रखा है, आप उसको जाके देख लो उसके ऊपर क्या फंडा है। ऐसा नहीं है कि बेस मॉडल्स नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको फ्रेंड्स फॉलो अप कैसे करना है महिंद्रा वालों के साथ, ठीक है। आप ऐसा करोगे तो आपको ऑब्वियस 110% बाकियों से पहले आपको गाड़ी मिलेगी, क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई मैं आपको ये भी बता दूं क्या होता है ऐसा करने से, क्या होता है। देखो, आपने गाड़ी को बुक करा है MX1 जिसका टाइम है 6 से 8 महीने आपको दिया है। अब अगर आपसे पहले किसी ने MX1 गाड़ी को बुक किया है आपके डीलर के थ्रू, तो उसमें और उसने 4 महीने बाद उस गाड़ी को कैंसिल कर दिया MX1 को, उसका मूड बदल गया किसी भी वजह से, तो अगर आप महिंद्रा के अपने जो आपने जहाँ से बुक कराया है अगर उस डीलर से आपके अच्छे रिलेशन हैं और आप प्रॉपरली अगर उसको फॉलो अप कर रहे हो प्यार मोहब्बत से, तो वो जो गाड़ी कैंसिल हुई है ना वो आपको ऑब्वियसली ऑफर करेगा। माइट भी उसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा, बिकॉज सेम थिंग हैपेंड विद मी ऑल्सो। मैंने बुक करी थी व्हाइट कलर की स्कॉर्पियो, मुझे मिली है सिल्वर कलर की स्कॉर्पियो, बट दिस इज नॉट अ बिग थिंग, कलर इतना बड़ा इशू नहीं होना चाहिए, बट मेरे को वेरिएंट जो मेरे को चाहिए था वही मिला। तो अगर आप अच्छे रिलेशंस मेंटेन करोगे महिंद्रा वालों के साथ तो वो आपको ये भी करेंगे, मींस जो गाड़ी कैंसिल होएगी सेम वेरिएंट आपको वो लोग ऑफर करेंगे इफ योर रिलेशंस आर गुड विद अ पर्सन या जो भी आपका एग्जीक्यूटिव है सेल्स का। ये एक फंडा होता है गाड़ी जल्दी लेने का, ठीक है। उसके बाद मैं आपको फ्रेंड्स ये भी बता देता हूँ कि जो आपकी बुकिंग में अमाउंट जो ऑन रोड शो हो रहा है आपको, उस अगर बाई चांस हाइक हो गया, वैसे तो नहीं होएगा क्योंकि इंट्रोडक्टरी प्राइस पे ये लोग जो गाड़ी है वो देते हैं जब तक फर्स्ट सेकेंड और थर्ड लॉट्स गाड़ी के बेस मॉडल्स के नहीं आ जाते। 99.9% तो आपको मिलेगा, लेकिन 0.1% जो भाई माइट भी उनकी गाड़ी थर्ड या फोर्थ लॉट में आए बेस के, आगे अगले महीने बुक करें या जो भी है, वो आपको रेट जो उस वक्त होगा ना हाइक हुआ हुआ, आपको उसी रेट पर गाड़ी मिलेगी। डोंट एक्सपेक्ट कि आपको जो इंट्रोडक्ट 7.5 लाख रुपये उस पर आपको MX1 मिलेगा। अगर आपका अभी आप बुक कर देते हो तो अभी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन अगर आप 2 महीने बाद आप सोच रहे हो, सोच विचार करके सोनट वगैरह भी मैं चला के देखूंगा, सारी गाड़ियाँ बुक कर दूंगा, बहुत कुछ करूंगा, तो मैं आपको ये भी इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि आपको जो गाड़ी है अगर आपकी थर्ड या फोर्थ लॉट में के बेस में निकली तो माइट भी ना आपकी गाड़ी का रेट बढ़ चुका होगा। ये पहले के 2 या 3 लॉट ही जो बेस मॉडल्स के निकलते हैं उन्हीं के अंदर आपको ये इंट्रोडक्टरी प्राइस पे देते हैं। तो ये तो फ्रेंड मैंने आपको सारा बता दिया क्या है क्या नहीं है, और आप रेगुलर फॉलो अप करते रहो, 2-3 बुकिंग भी कर सकते हो, और इससे आपको 110% रिजल्ट आपको मिलेगा गाड़ी बुक करने के बाद, क्योंकि अच्छी गाड़ी है, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। जो देखो उसी चीज़ की डिमांड भी होती है फ्रेंड्स जो चीज़ अच्छी होती है, तो क्यों इतनी ज़्यादा वेटिंग नहीं है बाकी गाड़ियों की, ये भी ऑब्वियस बात है, बिकॉज महिंद्रा इज़ मेकिंग समथिंग जो एक रेयर चीज़ है, और इस रेट में आपको इतनी स्टर्डी हैवी और इतनी फीचर लोडेड गाड़ियाँ नहीं मिलती हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, डू सब्सक्राइब टू द वीडियो और वीडियो को लाइक भी कीजिए, और
डू गिव अ थम्स अप आई मीन, और जिसको ये नॉलेज चाहिए माइट भी भाइयों ने बुक कर रखी है या वो करने का सोच रहे हैं, तो आप जो है उनको ये वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।